रुक करते हैं प्रदेश की ओर। उपायुक्त विनय धीमान ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भाखड़ा बांध विस्थापितों द्वारा बिलासपुर शहर में किए गए अवैध कब्जों के नियमितीकरण के लिए बनाई गई विशेष नीति में कुछ आवश्यक संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों का लाभ समस्त हितधारकों को दिए जाने के लिए 31 अगस्त तक आवेदन प्रस्तुत करने की अवधि निर्धारित की गई है। बिलासपुर शहर में अवैध कब्जे नियमित होंगे। बिलासपुर शहर में भाखड़ा बांध के अस्तित्व में आने के उपरांत जिन विस्थापित परिवारों को भूमि अलॉट नहीं हो सकी थी, उन विस्थापित परिवारों के द्वारा सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को नियमित करने के लिए प्रदेश सरकार ने आदेश दिए हैं। भाखड़ा बांध विस्थापित परिवारों को बिलासपुर शहर में किए गए अवैध कब्जों के नियमितीकरण के लिए 31 अगस्त तक प्रशासन ने आवेदन मांगे हैं। उपायुक्त विनय धीमान ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भाखड़ा बांध विस्थापितों द्वारा बिलासपुर शहर में किए गए अवैध कब्जों के नियमितीकरण के लिए 28 अक्टूबर 2013 को बनाई गई विशेष नीति में 28 जुलाई 2018 को कुछ आवश्यक संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों का लाभ समस्त हितधारकों को दिए जाने के लिए 31 अगस्त 2019 तक आवेदन प्रस्तुत करने की अवधि निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा LPA नंबर 2005 में 19 अक्टूबर 2010 को पारित आदेशों की अनुपालना में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भाखड़ा बांध विस्थापितों द्वारा किए गए अवैध कब्जों के नियमितीकरण के संबंध विशेष नीति बनाई गई थी, जो कि 28 अक्टूबर 2013 को जारी की गई, जिसे पुनः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 28 जुलाई 2018 को संशोधित किया गया था। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या रैप PCA 7/1/2008 लूज 8 मार्च 2019 के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त नीति में किए गए संशोधनों के लाभ समस्त हितधारकों को दिए जाने के उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन 31 अगस्त 2019 तक लिए जाने हैं। उन्होंने बताया कि बिलासपुर शहर के मूल ओस्टी अलाटी व उनके जायज बारसान जिनको भाखड़ा बांध विस्थापित होने के नाते प्लॉट आवंटित हुआ हो, लाभार्थियों या बाद के कर्ता जिन्होंने बिलासपुर शहर में अवैध कब्जा निर्माण कर रखा है, वे निर्धारित प्रपत्र पर अपना आवेदन पत्र 31 अगस्त 2019 से पूर्व अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी बिलासपुर के कार्यालय में प्रस्तुत करें। उन्होंने बताया कि निर्धारित अवधि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्धारित प्रपत्र उपमंडलाधिकारी नागरिक सदर तहसीलदार सदर व कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद बिलासपुर पटवार वृत्त मेन मार्केट व पटवार वृत्त डियारा बिलासपुर के कार्यालय में 31 अगस्त 2019 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त बिलासपुर शहर के मूल आस्टी अलाटी व उनके जायज वारसान जिनको भाखड़ा बांध विस्थापित होने के नाते प्लॉट आवंटित हुआ हो, जिन्होंने पूर्व में आवेदन कर रखा था, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जो निर्देश है जिस हिमाचल प्रदेश सरकार के, उसमें 31 अगस्त तक जो है निर्धारित प्रपत्र जो कि हमारे यहाँ से मिल जाएगा, जो उपमंडल अधिकारी नागरिक सदर हैं, तहसीलदार सदर हैं, वो कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद बिलासपुर हैं, दो पटवार सर्कल हैं, इसमें पटवार वृत्त मेन मार्केट और पटवार वृत्त डियारा बिलासपुर, इनके कार्यालयों से ये निर्धारित प्रपत्र लिए जा सकते हैं और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 31 अगस्त जो है निर्धारित की गई है। उसके बाद के आवेदन जो है वो हम नहीं ले पाएंगे, तो इसलिए आपके माध्यम से ये हमारी प्रार्थना है सभी जो भी बेनिफिशरीज इसमें इंक्लूड किए गए हैं 2018 की पॉलिसी में, कि वो अपने जो निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर दें। जिन्होंने पहले से ही ऐसे अलॉटी आवेदन कर रखा है, उनको आवेदन करने की द्वारा से जरूरत नहीं है।